पालकों की जेब पर डाका डालने वाले 11 स्कूलों पर एफआईआर, 125 करोड़ रुपए का घोटाला आया सामने। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कलेक्टर के निर्देश पर 11 स्कूलों के खिलाफ एफआईआर की गई है। इन स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई, पुस्तक प्रकाशकों और विक्रेताओं से सांठगांठ कर पालकों की जेब पर डाका डाला। मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए जबलपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है। 11 स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें इन स्कूलों के 80 व्यक्तियों को दोषी बनाया गया है। इन स्कूलों ने न केवल नियमों की अवहेलना करते हुए फीस बढ़ाई, बल्कि यूनिफॉर्म, पुस्तकें और स्टेशनरी निर्धारित दुकानों से खरीदने के लिए दबाव डाला। जबलपुर कलेक्टर के आदेश पर हुई जांच में 125 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात सामने आई है। स्कूल प्रबंधकों को नियम विरुद्ध वसूली गई फीस 30 दिनों में अभिभावकों को लौटाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल प्रबंधक राशि नहीं लौटाते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई होगी। 22 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभी जो कार्रवाई हुई है वो 11 स्कूलों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। 11 स्कूलों से हमने जो अवैधानिक फीस वसूली है, करीब 81 करोड़ 30 लाख की अवैधानिक फीस वसूली है, उसको वापस से जिला शिक्षा अधिकारी उसमें आदेश देंगे। सामान्य तौर पर जिस अकाउंट से फीस आई है उसी अकाउंट में वापस की जाएगी, और यदि वापस नहीं करेंगे उनको बीच में एक प्रोसेस है कि वो अपील कर सकते हैं उसकी। यदि मान लो अपील नहीं करते हैं या अपील में कोई एडवर्स निर्णय नहीं होता है तो उनको 30 डेज में उसको जमा कराना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो कलेक्टर को अधिकार है कि वो कुर्की करके भू राजस्व की बाकी वसूली की कार्रवाई कर सकते हैं। वो एसपी साहब ने, जैसा कि आपको बताया, 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में एसपी साहब से जब आप बाइट लेंगे तो वो ज़्यादा डिटेल में आपको बता पाऊंगा। मेरी बात आप सुनिए, मुझे बिल्कुल लगता है जो आप कह रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल लगता है कि इसमें बहुत सारे लोगों की जवाबदारियां थी, उन जवाबदारियों को लोगों ने ठीक से नहीं निभाया। सबसे बात तो सुन लो पहले, सबसे इम्पोर्टेंट जो जवाबदारी थी वो स्कूल मैनेजमेंट की ही थी। अब यदि आप ये सोचो 1037 स्कूल, अब 1037 स्कूल में से कौन सा स्कूल ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, कौन सा फीस बढ़ा रहा है, कौन सा नहीं बढ़ा रहा, उसको कैलकुलेट और अपने को पढ़ाना भी है। हमारा जो स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन, उनको अपने खुद के सैकड़ों स्कूल हैं उनको भी उनको देखना है। और अब जो 4-5 सालों में जो इस तरह की शिकायतें आने लग गई और हम जांच कर रहे हैं, वो जांच भी इनसे ही कराना है। कोई भी जांच कार्रवाई करने के पहले मैं केवल एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि आपको ये देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो उस व्यक्ति का इंटेंशन क्या है। ये जो 11 स्कूल है ना, इन 11 स्कूलों में हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी घुस नहीं पाते थे, ये फैक्ट है। इनकी 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 जो स्थिति थी ना, इनका जो स्टेटस था, इनके पास इतना पैसा था, इतना पावर था, इन्होंने इनका स्टेटस इतना नीचे कर दिया था कि ये उसको घुस ही नहीं पाते थे जांच के लिए। तो जाहिर है, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसका इंटेंशन देखना चाहिए। इनका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि इन स्कूलों में गड़बड़ चल रही है, उसमें से कुछ पैसे वैसे ले लें और इन स्कूलों को बचा के ले जाएं। इनको शक्ति ही नहीं मिल रही थी। इस बार जिला प्रशासन ने इनको शक्ति दी है और मैं आपको इस बात के लिए इनकी तारीफ करूँगा। महिला प्रिंसिपल हैं, महिला शिक्षक हैं, इन्होंने इन स्कूलों में अकेले अकेले एक एक दो दो के ग्रुप में जाके पूरी दमदारी के साथ जांच की। जैसे जैसे ली है वैसे वापस होगी। 30 दिन के अंदर की समय सीमा है, 30 दिन में आप अपील कर सकते हो। यदि अपील करने में कोई स्टे मिल जाता है तो आप फीस उतने दिन तक के लिए रोक सकते हो। दूसरी बात, यदि आप नहीं दोगे तो कलेक्टर को अधिकार है कुर्की करके वसूल करने की। संपत्तियाँ तो इन सबके पास हैं, जो आप जानते हो, मतलब उसको कोई मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो हम पूरा के पूरा, ऐसा नहीं है कि हाथी निकाल देंगे पूछ छोड़ देंगे, कंप्लीट इसको पहुँचा देंगे। इसकी प्रिपरेशन काफ़ी दिनों से चल रही थी, तो करीब 9 पुलिस स्टेशन में 11 एफआईआर अभी तक रजिस्टर हुई है। सभी पुलिस स्टेशन में आज सुबह टीम्स बनाई गई और टीम बनाने के बाद सभी टीम को जो जो आरोपी पकड़ने हैं वो चिन्हित किए गए। एफआईआर कराने वाली जो टीम है, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी और साथ में तहसीलदार एसडीएम्स भी हमारी पुलिस स्टेशन पे पहुँचे और उन्होंने एफआईआर कराने में जो है हमें हमारी मदद की। उसके अलावा अभी तक एज ऑफ नाउ करीब 20 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
इनमें जो 20 व्यक्ति जो अरेस्ट हुए हैं, मैं उनका एक डिटेल आपको पढ़ देता हूँ। अजय उमेश कुमार जेम्स, ये चेयरमैन क्राइस्टर स्कूल के हैं। नीलेश सिंह मैनेजर हैं क्राइस्टर स्कूल के, और सिरिल जैकब प्रिंसिपल हैं क्राइस्टर स्कूल सालीवाड़ा के। आलोक इंद्रखिया प्रॉपराइटर हैं न्यू राधिका बुक पैलेस के। राम इंद्रखिया ये भी प्रॉपराइटर हैं न्यू राधिका बुक पैलेस के। मनवीर कोहली प्राचार्य स्टेमफील्ड। शाजी थॉम्सन प्राचार्य क्राइस्ट चर्च फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। श्रीमती एल एम साठे मैनेजर क्राइस्ट चर्च फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। सूर्य प्रकाश वर्मा प्रॉपराइटर चिल्ड्रन बुक हाउस नोदरापुल। शशांक श्रीवास्तव संचालक चिल्ड्रन बुक हाउस नोदरापुल। सी एस विश्वकर्मा एडवाइज़र चैतन्य टेक्नो स्कूल धनवंतरी नगर। सोमा जॉर्ज प्रिंसिपल सेंट लॉयस स्कूल पालीपाथर। भरतेश भारिल सचिव ज्ञान गंगा ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल। दीपाली तिवारी प्राचार्य ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल। चित्रांगी अय्यर सीईओ लिटिल वर्ल्ड स्कूल जबलपुर। सुबोध नेमा मैनेजर लिटिल वर्ल्ड स्कूल जबलपुर। परिधि भार्गव प्राचार्य लिटिल वर्ल्ड स्कूल जबलपुर। अतुल अनुपम इब्राहिम क्राइस्ट चर्च सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एकता पीटर क्राइस्ट चर्च सीनियर बॉयज चर्च बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और ललित सोलोमन मैनेजर क्राइस्ट चर्च जबलपुर डायसेशन स्कूल। ये अभी 20 लोग हैं गिरफ्तार हुए हैं, बाकी जो आरोपी हैं उनके भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। लगातार उसमें टीम्स लगेंगी। उसके अलावा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी आगे चलनी है, बहुत सारे इसमें एविडेंसेस नए आने हैं, जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें 420, 409, 468 और 471।